ये है हमारा CPO, फुल पावर ऑन हो गया अभी, पार्किंग फुल है, लोगों की भीड़। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में हम सिर्फ एक कॉफ़ी पियेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया फ़ोन करके कि कॉफ़ी होम खुल गया है और मैं गया था, तुझे जाना है तो एक बार चला जा और मुझे बता दियो कि अगर तू आए तो। मैंने उसको बताया नहीं, मैं चुपचाप जा रहा हूँ। मैंने उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आफ्टरनून में होता है CP में और मैं होता हूँ इवनिंग में, तो टाइम मैच नहीं हो रहे थे। तो मैं सोच रहा था तो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेटर है, इसलिए मैं अब अकेला जा रहा हूँ। वेदर भी अच्छा हो रहा है ना, बट देखो ये है जैन चावल वाला कितना रश है इसके पास। यहाँ का भी पार्किंग मिलती बहुत, और इवनिंग में तो भूल जाओ वीकेंड के टाइम पे, तो क्योंकि लोग इसके छोले चावल, राजमा चावल और पराठों के लिए बड़ा फेमस है यहाँ पर ये। और वीकेंड में संडे के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग 4-5 तो भाई यहाँ पे इतना रश होता है कि सारे क्लबिंग वाले लोग ना यहाँ खाना खाने आते हैं। लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, फ्री ड्रिंक्स फॉर द लेडीज, सब बातें हैं जब तक दोबारा से कैफेज और नाइट क्लब ओपन नहीं होते, कुछ नहीं कर सकते अब इसमें, बस वेट ही कर सकते हैं। ऐसा लग रहा जैसे बारिश आने वाली है अभी सिटी में, आ जाए तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा अगर बारिश आ गई। बट यार मैं गाड़ी नहीं लाया ना, गाड़ी लाया होता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता फिर तो, बट इसमें भी इंजॉय करेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे, भीगेंगे पहले और फिर घर जाएंगे। सबसे ट्रिकी रोड है ये क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ये बंद, सामने वाला बंद होता है तो वाली गाड़ियाँ चल जाती हैं, और जब ये बंद होता है तो वाली गाड़ी चल जाती हैं, तो कई बार तो रोड क्रॉस भाग के करनी पड़ती है। वैसे सब्वे भी है, सब्वे में करता नहीं, यूज़ नहीं करता ये रहा सब्वे। ब्लॉग बनाते हुए लोग देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं। मेरे से अभी थोड़े दिन पहले एक ब्लॉग में जब मैं अभी डाला था, अपलोड किया था, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यार तुम्हें कैसे, तुम्हें अजीब नहीं लगता जब तुम ब्लॉग बनाते हो लोग देखते हैं तुम्हें, तो मैंने उसको सेम चीज़ बोली थी, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं जो कॉफ़ी होम है वो मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छी मतलब मिलती है और मैं उसी के लिए जाता हूँ। कई लोग वहाँ का केसरी भात होता है, मतलब केसरी एक हलवा है येलो कलर का जिसको केसरी भात कहते हैं, उनको वो बहुत अच्छा लगता है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है उसमें जगह की, कहाँ पे क्या लोग पसंद करते हैं खाना पीना। मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छी लगती है इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स और CCD की, और जो मशीन वाली कैफ़े होती हैं स्ट्रीट कॉफ़ी वगैरह से, वो यही मिलती है। और भी कहीं प्लेस मिलती होगी दिल्ली में, मुझे उसका पता नहीं है, कहीं पता चलेगी तो वहाँ की भी ट्राई करके आएंगे। अब ली जाएगी एक फिल्टर कॉफ़ी जो कि हमारे फेवरेट हैं शर्मा अंकल, वो बना कर देंगे हमें। और पे टाइम पास तो हो नहीं रहा होगा आपका, टाइम पास हो जाएगा ना, खुल गया, आप लोग आते रहेंगे हमारा टाइम पास हो जाएगा, सेल भी होगा, टाइम पास भी हो जाएगा। मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी लोगों की, इतनी जल्दी बैठने लग जाएंगे लोग। हाँ तभी जल्दी बंद कर रहे हैं, 6:30 बजे बंद करते हैं, 6:30 बजे ही। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इसलिए वो गवर्नमेंट ही इसको रन करती है कॉफ़ी होम को, कोई प्राइवेट ओनर उसको रन नहीं करता, तो इसलिए 6:30 ये क्लोज कर दिया। और ये कॉफ़ी होम था, एक वो इंडियन कॉफ़ी हाउस जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो रहा सामने, ये ऊपर फ्लोर पे उधर फिल्टर कॉफ़ी मिलती है, वहाँ
अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से बस दो ही बार गया हूँ आज तक अपनी लाइफ में। एक बार किसी भैया के साथ गया था और सेकंड टाइम भी किसी नॉन के साथ ही गया था। उनको किसी से मिलना था, वो ऊपर ही बैठे हुए थे, वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमने उनको बोला था कि यहाँ पे आके मिलना, बट वो ऊपर वाले इंडियन कॉफ़ी होम में चले गए, कॉफ़ी हाउस की जगह, तो इसलिए।